जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी निरस्त होने से लाखों बेरोजगारों को एक बड़ा झटका लग गया है। डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित जो बेरोजगार थे वो लंबे समय से एक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की मांग कर रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती से दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, लेकिन टीईटी के आयोजित जो उम्मीदवार बेरोजगार थे, इस नई भर्ती की उम्मीदें जब उनके अंदर जगी तो उससे पहले ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पे एक सवाल या निशान लग गया। और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे, इस आस में लाखों युवा जो बैठे हुए थे उनकी आस टूटती दिख रही है। लेकिन परीक्षा जो थी वो निरस्त हो गई, बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका लगा और नई शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं ने 15 नवंबर को प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन किया था। विद्यार्थियों का कहना है कि टीईटी और सीटीईटी पास बेरोजगार प्रशिक्षकों की संख्या लगभग 10 लाख है। अकेले डीएलएड और बीटीसी से ही 5 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित बेरोजगार जो है वो बैठे हुए हैं। डीएलएड 2017 बैच के आलोक मिश्रा का कहना है कि 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में आने के बाद भी कोई भर्ती नहीं हो सकी है। वैसे ही 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन होना भी कोर्ट के जुलाई 2017 से निरस्त होने के बाद 2 किस्तों में 68,500 और 69,000 में निकाली गई भर्ती पर था। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले 5 साल में कोई नए पद भर्ती प्रक्रिया में शुरू नहीं हो सके हैं। प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जून 2020 से इस बात को स्वीकार किया था कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 51,112 पद खाली थे। हर साल औसत 12,000 प्राइमरी शिक्षक रिटायर होते हैं, ऐसे में सहायक अध्यापकों को 1 लाख से ज्यादा अधिक पद खाली होने की बात कर रही थी। तो दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी कमेंट और प्रतिक्रिया अवश्य लिखें कि क्या वाकई में इलेक्शन से पहले ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के कोई आसार आप लोगों को दिख रहे हैं। शिक्षा जगत की सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना, क्योंकि तभी आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।